माय नेम इज़ दिव्य सागर और आज हम बस्ती मेडिकल कॉलेज की तरफ से बस्ती के टीवी हॉस्पिटल को विजिट करने जा रहे हैं। तो चल के देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है यहाँ पे। हम एक्चुअली कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट के अंदर अपनी नॉर्मल विजिट के लिए आए हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लेबोरेटरीज़ हैं, किस तरह से मेडिसिन कौन कौन सी हैं जो कि डीबी में हेल्प करती है, और ग्राउंड रियलिटी और उन चीज़ों को सीखने के लिए ही हमें इस तरह से हॉस्पिटल विजिट्स के लिए लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो लेट्स गेट इनसाइड द हॉस्पिटल। सर्कुलर स्ट्रक्चर, दिस इज द फाइब्रोकैविटेटरी लेजन। फाइब्रोकैविटेटरी मीन्स आफ्टर ये इन्फेक्शन विद द ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया एसोफिलाई, पेशेंट हैज़ डेवलप्ड दिस ऑल लेजन्स इन हिज इन हर राइट साइड ऑफ द चेस्ट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द लेफ्ट लंग इज ऑल्सो अफेक्टेड। इसको कहाँ लगाएंगे इसके बाद? इसको खोलने के बाद अंदर लगेगा? अच्छा, डायरेक्टली। ये सेल काउंटर 3 पार्ट। ओके, तो अच्छा एक काम करो, आप इसके रेजिन को बहुत आसानी से नोट कर सकते हो। पन्ने हैं आपके पास कागज, आप उसको नोट कर लीजिए। वो तो स्टैंड, तो पहले तो हम लोग उसको एडमिशन करते हैं, ठीक है, फिर जांच कराते हैं सारी, और फिर उसकी रेजिमेन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरीके की रेजिमेन है, एक शॉर्टर रेजिमेन है, एक है ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमेन। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 7 ड्रग्स चलती हैं। कैनामाइसिन, ये देखो, ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है हाई डोज की, ठीक। उसके बाद चलती हैं INH, ये ले लो, ठीक। इथंबुटान, ये है ट्रोनामाइट है, पैरिजनामाइट, ये पायरोडॉक्सिन भी चलाते हैं, ये एक तरीके का मल्टीविटामिन है, ठीक। फिर उसके बाद ऑल ओवर लॉन्गर रेजिमेन आती है, उसमें 6 ड्रग्स चलती हैं। ये है बेडाकोलिन, ये वाली, ये 100 mg की है, 1 टैबलेट। उसका लिंजोलिट रहता है। अच्छा, ये है साइक्लोसोरिन, ये भी रहती है। एंड द न्यूअर ड्रग अमंग दिस न्यूअर ड्रग्स, वन वाज द बेडाकोलिन एंड सेकंड इज द डेलामेनिट, DELAMENIT, डेलामेनिट। ये क्लोफाजिमिन है। These all drugs are the newer drugs. ये मार्केट में आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी ही नहीं, मार्केट में मिलेगी ही नहीं सर। अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल। और ये लेवोफ्लॉक्सासिन है। आप इसको देख लो, ये newer trend की drugs हैं for the resistant tuberculosis। हाँ सर, shorter regimen, all oral longer regimen, ठीक है। शॉर्टन जब रिफैम्सिस रेसिस्टेंट आते हैं तब हम लोग शॉर्टर रेजिमेंट चलाते हैं, और लॉन्ग जब ऑल और लॉन्ग रेजिमेंट तब चलाते हैं जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया या FQ ग्रुप से रेजिस्टेंट हो गया, INH ग्रुप से रेजिस्टेंट हो गया, तब उससे हम लोग ऑल और लॉन्ग रेजिमेंट चलाएंगे विद बेडाकोलिन। ये भी देख लो, ये फर्स्ट लाइन की है सारी बेसिक जो हम लोग चलाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पहले अलग अलग आती थी, अब सारी एक में आने लगी है। तो किसी भी पेशेंट को ये ध्यान रखना कि अगर उसको रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस वाली कोई भी दवा उसको ये सोच के चलाना कि ये और जल्दी ठीक कर देगी, ये गलती करनी मत करना। आपको सिंपली यही दवाई चलानी है। अगर उसको कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, आफ्टर ऑल डायरेक्शन कैलकुलेशन आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ FLNP वगैरह सब कुछ देख लिया, एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी वैरायटी ऑफ द रेजिस्टेंस, तो सिंपली यही दवाई कंटिन्यू करनी है, इसी को ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इस पे चलाते हुए आपने उसको एक दो दवा और कह दी, भैया मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी खा लेना, लीवोफ्लॉक्सासिन भी खा लेना, और जल्दी ठीक हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं,
कैसे कि अगर उसको कल को फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गई तो केस इज कमिंग विद द एज ए स्पुटम पॉजिटिव केस आफ्टर वन और टू और थ्री इयर्स, वो कौन सा केस हो जाएगा? रिलैप्स। एंड दैट रिलैप्स केस मे बी सफरिंग फ्रॉम ब्लड रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बिकॉज द पेशेंट हैज टेकन रिफेंसिन एंड मेनी मेनी मोर ड्रग्स फॉर मोर देन वन मंथ, और अब ठीक हो गया है, उसको छोड़े हुए अच्छा समय हो गया है, तो उस टाइम पे आपको ये देखना होगा कि इसमें रेजिस्टेंस वही हो सकता है। तो उस समय के लिए अगर वो दवाइयाँ कभी नहीं खाई हैं तो अब आप देंगे तो पूरा उसका असर है, और आपने बीच में ज़बरदस्ती उसको जोड़ दी है तो खा चुका है, तो उस दवा का कोई असर नहीं, तो आपने एक दवाई बर्बाद कर दी। अब टीबी का ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है, समझना है तो बहुत आसान है, और ऐसे मिक्सचर कर देना है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप दिस स्ट्रिप इज ऑफ फोर ड्रग्स फॉर द इंटेंसिव फेज, इंटेंसिव फेज इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट इन नॉन रेजिस्टेंट केसेस। फोर ड्रग्स कौन कौन सी दवा होगी? आई एन एच, रिफेम्पेसिन, पायराजिनामाइड एंड इथेमुटाल फॉर टू मंथ। आफ्टर टू मंथ नेक्स्ट फोर मंथ क्या होगा? आपको उसमें से पायराजिनामाइड माइनस कर लेना पड़ेगा, बाकी वैसे ट्रीटमेंट चलेगा। फर्स्ट नाइट में कलर भी दिमाग में बनाना ना पूछा जाए। हाँ, रेड होता है। तमाम पेशेंट ऐसे भी आते हैं, आपने दवाई शुरू कर दी, वो आके बोल रहे हैं डॉक्टर साहब जब से मैंने टीबी की दवा खानी शुरू कर दी और तो सब ठीक है, लेकिन टॉयलेट जब मैं यूरिन जाता हूँ तो पता चला कि वो रेडिश ब्राउन, तो ऐसा क्यों, क्या उसका जवाब आप देंगे? बहुत कुछ आ जाता है एकदम याद रखना। और दो महीने तीन महीने वो दवा खाया जब, तो जैसे वो मान लिए कि उसका गेहूं कलर है, औसत कलर है, ना बहुत साफ है ना डार्क है, फिर क्या हो जाएगा, वो नियर बाई डार्क हो जाएगा। आई एम गेटिंग ब्लैकिश डे बाई डे, व्हाट द रीजन बिहाइंड एंड माई यूरिन आल्सो गोइंग ऑन इट इज टर्निंग ऑन द ऑरेंज एंड रेडिश ब्राउन। तो आपके पास सिर्फ द होल कल्प्रिट इज द रिफेंपेसिन। जैसे रिफेंपेसिन आप बंद करेंगे एक दो तीन महीने के अंदर बिल्कुल आप वैसे ही हो जाएंगे जैसे इस दवा के लेने के पहले, ठीक है ना, उसको ऐसे और करिएगा, नहीं तो घबरा जाएगा तो बंद कर देगा। एक दवाई है मरीज खाता रहेगा कहेगा कि हमारी नज़र कमजोर हो रही है। व्हिच वन? इथेम्बुटाल। इथेम्बुटाल इज दैट ड्रग। कॉमन क्वेश्चन और होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस काज करती है वो दवा जिसका हेपेटिक क्लियरेंस होता है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, वो दवा आपका हेपेटाइटिस काज करती है, कौन सी दवाई है? पढ़े हो? गुड। कभी कभी किसी पेशेंट को जब ये रिफेम्पेसिन की वजह से एंटी ट्यूबरकुलर दवा लेने के साथ साथ क्या करेगा, हाइपर बिलिरुबिनेमिया में भी दिया एंड दैट बिलिरुबिन इज ऑफ अनकंजुगेटेड वेराइटी, देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनी एलिमेंट इन साइड द हेपेटोसाइट्स और लीवर। क्या होगा, आपने दवाई थोड़े दिन रोक दी, धीरे धीरे ग्रेजुअली इट विल लोअर डाउन एंड इट विल कम टू द नॉर्मल स्टेज, ठीक है। लेकिन टीवी के मरीज को एंटरटेन करते समय अपनी पूरी प्रिकॉशन के साथ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको जाके आपने देखा कि वो इन्फेक्शन है और आपने आपने उसको एक्सट्रा कॉन्टेक्ट में आ गए और आपने मतलब शॉर्टर रेजिमेंट एंड ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमेंट एंड थर्ड इज द ऑल ओरल लॉन्गर मिक्सड। सपोज इफ द पेशेंट हैज बीन केप्ट ओवर द ऑल ओरल लॉन्गर एंड देर में भी ट्रबल विद एनी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एनी वन ऑफ द मेडिसिन रिकमेंडेड टू द पेशेंट्स इन द ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमेंट, व्हाट विल हैपन, यू हैव टू रिप्लेस दोज मेडिसिन विद सम अदर ड्रग्स। द चॉइस ऑफ रिप्लेसमेंट हैज बीन गिवन इन सम लिस्ट एट सम इट हैज गिवन इन सम चार्ट। तो कौन से रेजिमेंट बन जाएगी, ऑल ओरल लॉन्गर मिक्स्ड, अब उसमें पूरी खिचड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको पेशेंट को ठीक करना है, ठीक है। तो आपने देखा कुल मिला के तीन चार तरीके की हो गई रेजिमेंट, फर्स्ट इज द सिंपल पेशेंट इज कमिंग, आपने कंफर्म कर लिया कि ये द पेशेंट इज नॉट रेजिस्टेंट फ्रॉम एनी साइड, तो सिंपली उसको कौन सी दवा देनी है, दो महीने के लिए इंटेंसिव चार दवाइयाँ और देर आफ्टर थ्री ड्रग्स फॉर द रेस्ट ऑफ द फोर मंथ इन द कंटिन्यूएशन फेज। और आपने देखा कि उसमें रिफेंपेसिन रेजिस्टेंस है, रिफेंपेसिन रेजिस्टेंस है, आपने क्या किया, शॉर्टर रेजिमेंट ले लिया नौ महीने के लिए। आपने देखा उसमें आइसोनियाजिड या उसमें क्विनोलॉन्स का रेजिस्टेंस है, आपने क्या किया, ऑल ओरल लॉन्गर ले लिया। तो ये
अगर उसमें से कोई दवा ऐसी दवा है जो पेशेंट को सूट नहीं कर रही है, पेशेंट इज फेलिंग टू टॉलरेट द एनी वन ऑफ द ड्रग रिकमेंडेड इन द ऑल ओवर लॉन्गर रेजिमेन, तो आप उसको सूटेबल ड्रग से रिप्लेस करना है। उसका चार्ट दिया हुआ कि कौन दवा किससे रिप्लेस करनी है, पर हम पहले ही पहले क्यों किसी पेशेंट को रेजिस्टेंट माने, हमको कन्फर्म करना है ना। विद डिफरेंट टूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू कन्फर्म वेदर द पेशेंट इज ऑफ जनरल टीवी केस और रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस केस। तो ये सब किसी चीज़ें हमें पता कर लेने के बाद ही, जहाँ हमें पता लग जाएगा फिर हम उसी तरीके से उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो बेटा आप लोग अपना ओरिएंटेशन कुछ आप लोगों को मिला अभी यहाँ से पढ़ के, वैसे तो बहुत कुछ हम आपके लिए नहीं कर पाए हैं आज, नहीं था, और पेशेंट को हम बहुत नज़दीक से दिखा नहीं सकते हैं। जनरल टीवी के कुछ पेशेंट्स को अभी हम बाहर बिठा के आपको दिखा देते हैं कैसे देखने में लगते हैं, बिकॉज दे हैव बिकम लीन थीन, क्योंकि उनके बॉडी मास इंडेक्स जो है बहुत कम हो जाता है। एनर्सिया विद लॉस ऑफ वेट आपको एक उसमें पढ़ेंगे, या फेल फर्स्ट लाइन लाइन प्रोग्रेसिव, एल पी ए इज द लाइन प्रोग्रेसिव एंड या फेल इज द फर्स्ट लाइन एंड सेकंड इज द एस एल एल पी ए, एस एल मीन सेकंड लाइन। लखनऊ में होती है टेस्टिंग यूपी में ना? हाँ, और गोरखपुर में भी, गोरखपुर में भी शुरू कर दिया, बस्ती का नहीं जाता है लेकिन जाएगा बस्ती यूपी में। लखनऊ में होती है अभी, गोरखपुर में मान के चलो।